हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में थर्मोकपल ट्रांसमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, थर्मोकपल ट्रांसमीटर क्या होता है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, वो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो थर्मोकपल है, पहले वाली वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं, जो थर्मोकपल है वो मिली वोल्ट जनरेट करते हैं, उसकी जो आउटपुट होती है वो मिली वोल्ट्स होती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मिली वोल्ट से हम मिली एम्पियर कैसे बनाएं। जो थर्मोकपल के मिली वोल्ट्स होते हैं उसको मिली एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये थर्मोकपल ट्रांसमीटर। ओके फ्रेंड्स, ये एक डिवाइस है, थर्मोकपल ट्रांसमीटर है। ये क्या करेगा, जो थर्मोकपल की आउटपुट है मिली वोल्ट्स, उसको कन्वर्ट करेगा मिली एम्पियर में। जो आप देख रहे हैं, जिस साइन बना हुआ थर्मोकपल का, और ये ऊपर लिखा हुआ TC थर्मोकपल, और ये 3 और 4 नंबर पिन पे क्या लिखा है, मिली एम्पियर आउटपुट। यहाँ पे हम थर्मोकपल की इनपुट अप्लाई करेंगे, जो थर्मोकपल की आउटपुट है यहाँ पे आ जाएगी थर्म, और जो ये ट्रांसमीटर आउटपुट निकालेगा वो मिली एम्पियर्स होंगे, और वो हम मिली एम्पियर आउटपुट रिसीव करेंगे, तो उसको हम मिली एम्पियर सोर्स मीटर से चेक कर सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, इसके मैं आपको वायरिंग कनेक्शन समझा देता हूँ कैसे करनी है। तो सबसे पहले क्या है, ये थर्मोकपल है बस, तो ये थर्मोकपल है फ्रेंड्स, इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर ये वाले आपको जो दिख रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव मैंने वाइट वाली वायर है वो पॉजिटिव के लिए यूज़ की है, जो ग्रीन वाली है जो नेगेटिव के लिए यूज़ की है। तो जेकर आपके पास ऑलरेडी थर्मोकपल की अंदर से वायरिंग की हुई है, आपके पास दो वायर है, टू वायर थर्मोकपल फ्रेंड्स इसके लिए आप ओनली यूज़ कर सकते हैं, टू वायर थर्मोकपल। ओके फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, जो थर्मोकपल की जो वाइट वाली है ये पॉजिटिव है और ये ग्रीन वाली नेगेटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगाएंगे और नेगेटिव को हम नेगेटिव पे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया है, जो थर्मोकपल की पॉजिटिव हो जहाँ पे पॉजिटिव पे लगा दिया है, जो ये ग्रीन वाली नेगेटिव है इसको हमने यहाँ पे नेगेटिव पे लगा लिया। ओके फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे, इसको इसकी जो यहाँ पे लिखा है पावर 24 वोल्टेज DC लूप पावर, इसको लूप पावर चाहिए 24 वोल्टेज, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, SMPS चाहिए 24 वोल्टेज DC का। ये मेरे पास SMPS है 24 वोल्टेज DC का, इसके इस साइड मैंने जो वाइट वाली है वो पॉजिटिव के लिए यूज़ किया है, ये वाली तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो जो ग्रीन वाली है ये मैंने कॉमन यहाँ पे जो नेगेटिव है इसके लिए यूज़ की है। ठीक है, ये हमें क्या करेगा, 24 वोल्टेज DC देगा SMPS। ओके फ्रेंड, इसके हम कनेक्शन करेंगे अभी। ओके फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, जो इसकी पॉजिटिव है SMPS की, जो पॉजिटिव है इसकी, जो पॉजिटिव है फ्रेंड्स SMPS की, जो आप देख रहे हैं ये ओनली पॉजिटिव वाली, इसको मैंने उठाया और कहाँ पे, जो सोर्स मीटर का सॉरी ये ट्रांसमीटर है, जो थर्मोकपल ट्रांसमीटर है इसके जो पॉजिटिव पे है यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ओके, इसकी जो पॉजिटिव है वो हम जहाँ पे इसके पॉजिटिव पे लगा लें। तो फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ, अभी जो एक मेरे इसकी जहाँ पे क्या लिखा है मिली एम्पेयर आउटपुट्स, तो हम इसकी आउटपुट कहाँ से लेंगे, तो एक तो यहाँ पे इसकी जो जो नेगेटिव ये वाली आ रही है, इसकी जो नेगेटिव SMPS की, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये एक यहाँ से, दोनों को हम उठा लेंगे, एक वायर जहाँ पे हम यूज़ करेंगे और एक ये वाली, दोनों से हमें इसकी जो आउटपुट मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी एक बार मैं आपको कंप्लीट इसकी वायरिंग डायग्राम समझा देता हूँ, वायरिंग समझा देता हूँ कैसे कैसे बनाई है। तो ये वाली थर्मोकपल से जो वाइट वाली आपको दिख रही है, ये इसकी वाइट पे लगा पॉजिटिव पे लगा दिया, और जो ग्रीन वाली है ये इसके नेगेटिव पे लगा दिया, और जो SMPS की जो पॉजिटिव आ रही है, ये वाली पॉजिटिव है इसके पॉजिटिव पे लगा दिया, और ये नेगेटिव है इसको खाली छोड़ दिया, और ये इसकी जो SMPS की नेगेटिव है ये भी खाली छोड़ दी।
अभी ये दो नेगेटिव बची हुई है, ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों वायर्स बची हुई है मेरे पास, ये दोनों, इन दोनों वायर्स के ऊपर आउटपुट आएगी, इसकी जो मिली एम्प्स ये आउटपुट देगा, इन दोनों वायर्स के ऊपर आउटपुट आएगी। उस आउटपुट को हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, मिली एम्प्स सोर्स मीटर, जो हमारे पास मिली एम्पियर सोर्स मीटर होता है, लूप कैलिब्रेटर होता है, उससे हम इसको मेज़र कर लेंगे कितने मिली एम्प्स आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, जो इसकी आउटपुट है इन दोनों वायर्स के ऊपर होगी, इसको आप कहीं भी आगे जो आपके डिवाइस है जिस पे आप टेम्परेचर लेना चाहते हैं, कंट्रोलर वगैरह लगा, उसको ये दोनों वायर्स लगा सकते हैं। ओके, तो चलो अभी हम आपको चेक करके दिखाता हूँ मैं सोर्स मीटर से इसकी। तो फ्रेंड्स हमने एसएमबीएस ऑन कर दी है, तो आप देख सकते हैं ऑन हो गई है। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों वायर्स के ऊपर जो मिली एम्स आ रहे हैं उसको चेक करेंगे, ट्रांसमीटर मिली एम्स आउटपुट निकालेगा। तो अभी हम क्या करें, सबसे पहले इसको मिली मेज़र पे सेलेक्ट कर लेंगे, सोर्स मीटर को मेज़र पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलो हम इसको चेक करेंगे। तो इसकी जो नेगेटिव आ रही है इधर इस साइड से, जो सोर्स एसएमपीएस से आ रही है उसको नेगेटिव पे लगा लेना है, इसको इस पे लगा लेना है। तो 4.7 इसकी जो आउटपुट आ रही है अभी, 4.7 मिली एम्स। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे ही इसको हम थर्मोकपल को टेम्परेचर के अंदर रखेंगे तो उससे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसके मिली एम्स और बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, जेकर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।